भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह की बात करें तो अक्षरा सिंह की दीवानगी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री हमें देखने और सुनने को मिलती है। अक्षरा सिंह की दीवानगी इस कदर है कि अक्षरा सिंह के स्टेज शो, फिल्मों और गानों का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्षरा सिंह अब रात भर जाग जाकर अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग करती हैं और खाली समय में अब वो अपने फैंस के बीच बातें करती हुई नजर आती हैं। इस पर लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है और सभी लोगों का कहना है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत गाने पर रिएक्शन देती हुई नजर आई थी, जिस पर लोगों का कहना था कि शायद ये अक्षरा सिंह पवन सिंह के प्रति अपने एक्सप्रेशन पेश कर रही हैं। हालांकि अब ऐसे ही एक और वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में वो अपने शेड्यूल के बारे में बता रही हैं। अक्षरा सिंह इस वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैं वाराणसी आई हूं और मेरी आवाज सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हूं। इस वीडियो में और भी अपने बारे में बातें करती हुई नजर आ रही हैं अक्षरा सिंह, और अक्षरा सिंह इस वीडियो के लास्ट में अपना फेवरेट सॉन्ग तेरा होने लगा हूं गाने पर अपने एक्सप्रेशन देती हुई नजर आ रही हैं। इन सब बातों को लेकर भोजपुरी दर्शकों का कहना है कि अक्षरा सिंह एक बार फिर से पवन सिंह के साथ आना चाहती हैं। फिलहाल अक्षरा सिंह वाराणसी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और फिल्म से थोड़े बहुत मिले टाइम पर वो अपना टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ रही हैं और उनकी ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी बार देखा जा चुका है, जिसे देखने के बाद भोजपुरी दर्शक भी ये कह रहे हैं कि पवन और अक्षरा एक बार फिर से बड़े पर्दे पर जरूर आना चाहिए। अक्षरा सिंह के इन सभी बातों को देख और सुनकर यही सब कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के उस प्यार को अभी तक नहीं भुला पाई हैं, और भुला भी क्यों ना पाए, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को भोजपुरी दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। सभी लोगों को लग रहा था कि अक्षरा और पवन हमेशा के लिए एक रहेंगे और फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी को हमेशा से ही उन्हें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से अब पवन सिंह को भुलाने के लिए अक्षरा सिंह रात भर सोती नहीं और अपनी फिल्मों की शूटिंग करती रहती है, उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि पवन सिंह को भुलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अक्षरा सिंह और पवन सिंह को एक साथ दोबारा किसी फिल्म का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।